अस्सलाम वालेकुम। अगर आप नए आए हैं तो वेलकम, और अगर आप पहले से हैं तो वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं ये इंस्पायर्ड लुक। इस तरह का मेकअप मेरा पहली दफ़ा का था, और आप बिलीव करें कि इट टर्न्ड आउट वेरी ग्रेट। मुझे ये बहुत पसंद आया, होप सो आप लोगों को भी पसंद आया होगा। तो शुरू करते हैं अपना मेकअप। सबसे पहले हमने स्क्वायर स्टेप लेनी है और उसको एक एंगल की शेप में अप्लाई कर देना है। उसके बाद मैं वाइप्रा का जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी जेल आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं। इस जेल आईलाइनर से हम अपनी पूरी लिड को कवर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं मैं कैसे इसको शेप दे रही हूँ अपने बी सी तरह। सॉकेट में इसको पूरा पहले ड्रा कर लेना है, फिर इसको हम फिल करेंगे अच्छे से। और अगर आपकी शेप कहीं से ख़राब हो रही है तो दोबारा से आप इसको सेट कर सकते हैं। अब हम करेंगे टैप को रिमूव। ऑटोमेटिक कलर के शिमर पैटर्न में ये वापस से शेड लूँगी और इसको लिड के सेंटर पे अप्लाई करती रहूँगी। मैंने इसकी 3 लेयर अप्लाई की थी, तब जाके कोई कलर आया। उसके बाद ये गोल्डन और वाइट शेड को मिक्स करके मैं इनर कॉर्नर की तरफ अप्लाई कर दूँगी, क्योंकि मेरे पास लाइट गोल्डन शेड नहीं था इसलिए मैंने दोनों को मिक्स करके लगाया है। उसके बाद ब्राउ बोन और इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लेंगे उसी वाइट शिमर से। अब वाटर लाइन पे उसी जेल लाइनर को हम अप्लाई कर देंगे। उसके बाद रोमांटिक कलर के पैलेट में से ये पिंक कलर लेंगे और उसको लोअर लैश लाइन के साथ साथ अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर देना है, ताकि थोड़ा सा काजल के साथ समझ हो जाए। उसके बाद हम लाइनर अप्लाई करेंगे उसी जेल लाइनर से, बिल्कुल लैश लाइन के साथ साथ हम इसको अप्लाई करते जाएंगे। अब हमने कॉर्नर से विंग बनाना है, और आप देख सकते हैं कैसे मैंने इसको क्रिएट किया है। उसके बाद लैशेस को कर कर लेना है, और अगेन मैं इस मस्कारा के लिए ब्लैक डेंस मस्कारा यूज़ करी आज का। ये बहुत थिक है मस्कारा, तो ध्यान से इसको अप्लाई करना पड़ता है। लोअर लैश और अपर लैश को अच्छे से कोट कर लेना है। उसके बाद मैं मिस रोज़ के ग्लिटर में से ये पर्पल सा ग्लिटर लूँगी और उसको उस पर्पल शेड के ऊपर अप्लाई कर दूँगी। उसके बाद मैं ये लाइट गोल्ड सा ग्लिटर लूँगी और इसी गोल्डन शेड के ऊपर अप्लाई कर दूँगी, और इसको साथ में मिक्स भी कर देना है मैंने पर्पल के साथ। और ये है जी हमारी आज की फाइनल लुक। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, होप सो आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर सेट कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा मुझे। इंस्टाग्राम का हैंडल ऊपर आ रहा है, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। तमाम प्रोडक्ट की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। और अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।